नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं एमपी से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। भोपाल के बाद कांग्रेस जबलपुर से बड़ा दांव खेलने की तैयारी में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के खिलाफ विवेक तन्खा को उतारेगी मैदान में। मार्च में अप्रैल जैसी तपिश, भोपाल इंदौर सहित 14 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार, 11 शहरों में चली लू। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 10 ट्वीट कर भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसी। कहा, दिग्विजय सिंह के भ्रष्टाचार साबित करने का मौका नहीं मिला मुझे। गोल्ड मेडलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के सामाजिक बहिष्कार का फरमान, एसिड अटैक की दी जा रही है धमकियां। भिंड लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर उलझा पेच, बरैया को भी टिकट देने की चर्चा। रिजल्ट जारी होने के बाद लगेंगी क्लासेस, कक्षा 11वीं की क्लास के संबंध में जारी की निर्देश। रक्षा अनुसंधान से 200 मीटर के दायरे में हुए निर्माण तोड़ने के आदेश, 142 सरकार निजी इमारतें टूटेंगी। ग्वालियर में प्रशासनिक अफसरों की टीम ने सिटी सेंटर स्थित 3 हुक्का बार पर मारा छापा, बड़ी मात्रा में शराब और बियर समेत हुक्के का सामान हुआ जब्त। रघुकुल युवा संगठन द्वारा रामनवमी पर्व को लेकर देवी देवताओं को किए भेंट, अब प्रत्येक ग्राम में जाकर सामाजिक बंधुओं को देंगे आमंत्रण पत्र। खंडवा शहर में 2 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त है 35 MLD पानी, छोड़ रहे 45, फिर भी मंडरा रहा संकट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।